तो एक तरफ यूक्रेन पर रशिया का हमला जारी है तो दूसरी तरफ चाइना ने ताइवान पर चढ़ाई की तैयारी कर ली है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि चीन और ताइवान में हो रहे घटनाक्रम से इसके संकेत मिल रहे हैं। चाइना बार बार अपने फाइटर प्लेन भेजकर ताइवान पर हमले का अभ्यास कर रहा है, तो ताइवान ने चीन के हमले की स्थिति में अपने सिविलियंस को, नागरिकों को बचाने के लिए ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है। चाइना को जवाब देने के लिए ताइवान अमेरिका से घातक हथियार भी खरीद रहा है। यूक्रेन में रूस के भीषण हमले के बाद भयंकर आग लगी है और उससे हजारों किलोमीटर दूर ताइवान में ऐसे ही किसी संभावित हमले में लगी आग को बुझाने की प्रैक्टिस की जा रही है। ताइवान के हर नागरिक को चीन के संभावित हमले से निपटने के लिए तैयार किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह यूक्रेन पर रूस की मिसाइलें और लड़ाकू विमान कहर बरसा रहे हैं, ताइवान पर भी चीन की तरफ से आपत टूट सकती है। समझिए कैसे। पुतिन ने यूक्रेन पर भीषण हमला किया, इसके बाद यूक्रेन के समर्थन के दावे कर रहे अमेरिका और नेटो ने रूस पर प्रतिबंध तो लगाए, लेकिन रूस के खिलाफ युद्ध में नहीं उतरे। अब यूक्रेन पुतिन के गुस्से की आग में झुलस रहा है। दुनिया इस युद्ध में रूस के खिलाफ है, लेकिन चीन का साथ रूस को मिल रहा है। और जो कुछ यूक्रेन में हो रहा है उस पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पैनी नजर है। और दुनिया को डर है पुतिन ने जो मॉडल यूक्रेन में दिखाया है, क्या उसी पर चलकर शी जिनपिंग ताइवान पर हमला बोलेंगे? क्या दुनिया की एक और महाशक्ति अपनी ताकत के दम पर एक छोटे देश को रौंद देगी? लेकिन ये आशंकाएं यूं ही नहीं उठ रही। चीन के लड़ाकू विमान बार बार ताइवान के एयर स्पेस में घुस रहे हैं, ताइवान को धमका रहे हैं, ताइवान को उकसा रहे हैं। फिलहाल चीन के 4 एयरक्राफ्ट ताइवान के एयर स्पेस में घुसे। चीन के शेनयांग J-11 और शानक्सी Y-8 ने ताइवान में घुसपैठ की। इसके अलावा चीन के 2 हेलीकॉप्टर्स भी ताइवान के एयर स्पेस में घुसे। सिर्फ अप्रैल महीने के अंदर चीन ने 7 बार ताइवान के एयर स्पेस में घुसपैठ की। ये सभी विमान ताइवान के दक्षिणी पश्चिम सेक्टर में दिखाई दिए। इसके बाद ताइवान की ओर से चीनी विमानों को चेतावनी जारी की गई। ताइवान ने अपने वायु रक्षा क्षेत्र की सुरक्षा के लिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी तैनात किया है। ऐसे में एक छोटी सी चिंगारी युद्ध में तब्दील हो सकती है। तो बात रही कि चीन कभी ताइवान पे अटैक करेगा कि नहीं, यस, चाइना कभी ना कभी ताइवान पर कब्जा करेगा। अब कब होता है वो कहा नहीं जा सकता, किस कॉस्ट पे होगा वो भी बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, परंतु एक वक्त ऐसा आएगा जबकि चाइना का एक अटैक शुरू होगा, चाहे बड़ा नहीं, ताइवान का समुद्र में ब्लॉकेट करेगा, एक वक्त आएगा वॉर से पहले। और अब ताइवान भी चीन की इस घुसपैठ को हल्के में नहीं ले रहा। ताइवान लगातार अमेरिका से रक्षा सहयोग बढ़ा रहा है। इसके अलावा ताइवान ने अपने नागरिकों को ट्रेनिंग देनी भी शुरू कर दी है कि युद्ध के हालात में उन्हें कैसे अपना बचाव करना है। इन तस्वीरों को देखिए, किस तरह ताइवान में चीन के संभावित हमले से बचने की तैयारी शुरू हो चुकी है। अगर चीन के हमले से सड़कों और इमारतों में आग लगी तो उन्हें कैसे बुझाया जाएगा, ताइवान में लोगों को ये समझाया जा रहा है। यूक्रेन पर रूस के हमले से बड़ी संख्या में लोगों की जान भी जा रही है। ऐसे में ताइवान ने सबक लेते हुए चीन की तरफ से हमले की स्थिति में आम लोगों की जान कैसे बचाई जाए, इसकी जानकारी नागरिकों को देनी शुरू कर दी है। इसके लिए बाकायदा ताइवान की सेना ने एक हैंडबुक भी तैयार की है। ये हैंडबुक अब ताइवान के लोगों को सौंपी जा रही है। हैंडबुक पे सिविल डिफेंस से जुड़ी तमाम जानकारियां हैं। हैंडबुक में बताया गया है अगर हमला हो जाए तो किस तरह फोन में पड़े ऐप की मदद से बम शेल्टर को तलाश किया जा सकता है। इसके अलावा युद्ध की स्थिति में खाना कहां से मिलेगा और फर्स्ट एड किट कैसे तैयार होगी, ये जानकारी भी इस हैंडबुक में दी गई है। ताइवान की सेना इस हैंडबुक के जरिए और सीधी ट्रेनिंग देकर लोगों को समझा रही है
हमले की स्थिति में अपनी जान कैसे बचानी है। साफ है, यूक्रेन पर रूस के हमले और चीन की आक्रामकता से सबक लेते हुए ताइवान ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। चाइना और ताइवान के बीच में तनाव डेफिनेटली बढ़ गया है, क्योंकि दोनों देश रशिया की यूक्रेन वॉर को देख रहे हैं और वहां देख रहे हैं कि कैसा हो रहा है। दोनों देश वहां से सीख ले रहे हैं। चाइना और सीख रहा है कि मुझे अगर ताइवान में अटैक करना है, ड्रोन्स का काफी रोल रहा है इस वॉर में, राइट, कि ड्रोन्स को कैसे इस्तेमाल करो मैक्सिमम अपने सोल्जर ना फंसे। वहीं पर ताइवानी सोच रहे हैं कि कैसे अपने सिविलियंस को ट्रेनिंग दो, क्योंकि सबसे अहम चीज है फाइटिंग स्पिरिट। इसके अलावा चीन को जवाब देने के लिए ताइवान अपनी सेना को भी मजबूत कर रहा है। अमेरिका के साथ ताइवान का सैन्य समझौता भी है और इसके तहत अमेरिका ताइवान को खतरनाक हथियारों से लैस कर रहा है और ताइवान के राष्ट्रपति भी चीन के सामने झुकने को तैयार नहीं है। मातृभूमि की रक्षा हमारे देश का दृढ़ संकल्प है, हम लगातार ताकत में सुधार करते रहेंगे। इसके अलावा चीन अगर ताइवान पर हमला करता है तो ताइवान की मदद को तैयार अमेरिका का रुख भी वैसा नहीं रहेगा जैसा यूक्रेन रूस वॉर के दौरान है। अमेरिका खुलकर ताइवान की मदद कर सकता है, ये दबाव चीन के ऊपर भी है, इसीलिए चीन बार बार अमेरिकी अधिकारियों के ताइवान दौरे से भड़कता रहता है। ताइवान को अपना हिस्सा बताने वाला चीन इससे पहले ताइवान पर कब्जे के लिए हमले के विकल्प को आजमाने की बात भी कह चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड एप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।